बसमिल नाजरीन आप देख रहे हैं पाकिस्तान कहानी आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे टॉपिक ये है कि दुबई की शहज़ादी के अगवा की असल कहानी क्या है अप्रैल 2018 में दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिदलमखतूम की पैंतीस साल बेटी शेखा लतीीफ़ा ने अमरीकी ख़तून दोस्त और फ्रांसी सबक फ़ौजी जसूस की मदद से फिल्मों की तर्ज पर दुबई से फरार होने की एक नाकाम कोशिश की थी इसके ऊपर पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगी इसके बारे में बात की गई ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहत थी कि दुबई के हुक्मरान की बेटी दुबई छोड़ने पर मजबूर हो गई वो दुबई जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग सैर तफरी के लिए आते हैं बिजनेस के लिए आते हैं लेकिन वहाँ की जो फर्स्ट फैमिली है उसकी एक खातून क्यों मुल्क छोड़ना चाहती थी शेखा लतीफ़ा को दुबई से फरार होने की कोशिश के दौरान भारतीय और मुतहदा अरब अमारात की मुशतरक अफवाज ने बहरा अरब से गिरफ्तार किया था वो तो तब से शहजादी लापता हैं और तहाल उनके हवाले से किसी को कोई इल्म नहीं शेखा लतीफ़ा के लापता होने की गूंज 5 मार्च 2020 को लंदन की हाई कोर्ट में उस वक्त सुनाई दी जब दुबई के हुक्मरान के खिलाफ उनकी अहलिया शहज़ादी हया बिन हुसैन की दरख्वास्तों पर बरतानवी अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए उसकी अशात की खबरसार दार रॉटर्स के मुताबिक अगरचे लंदन हाई कोर्ट ने दुबई के हुक्मरान की फ़रार होने वाली अहलिया शहजादी हया की दरख्वास्तों पर फ़ैसला दिसंबर 2019 में ही महफूज कर लिया था तहम शेख मोहम्मद बिन राशदूम की जानब से अपने खिलाफ दायर दरख्वास्तों के ख़िलाफ़ बरतानवी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था जिसने कोर्ट को फ़ौरी तौर पर फ़ैसला ना सुनाने की हिदायत की थी दुबई के बादशाह ने बरतानवी सुप्रीम कोर्ट से ये इसदा भी की थी कि उनके और उनकी फ़रार होने वाली अहलिया शहजादी हया के दरमियान तनाज़ा के लंदन कोर्ट के फ़ैसले को खुफिया रखा जाए क्योंकि ये मामला उनके निजी मामलों हैं तमाम बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बाद दुबई के हुक्मरान की तमाम दरख्वास्तें मस्रद करते हुए हाईकोर्ट को फैसला सुनाने और उसके इशात का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसकी इशात कर दी जिसके बाद समात के दौरान अदालत को मालूम हुआ कि सत्तर साल मोहम्मद बिन राशिद अलमखतूम ने अपनी दो बेटियों को अगवा किया जबकि उन्होंने अपनी अहलिया शहजादी हया को भी ताकत के ज़ोर पर कैद करके हरासा किया हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के फैमिली डिवीज़न की सरबराही करने वाले एंड्रयू मकारार्लिन ने शेख मोहम्मद को शेखा शमसा बरतानवी शहर कैम्ब्रिज से अगस्त 2000 में उनके अगवा का हुक्म देने और उसकी मनसूबा बंदी में मुलव पाया उस वक्त शेखा शमसा उन्नीस बरस की थी जज ने समात के दौरान कहा कि शेखा शमसा को दुबई वापसी पर मजबूर किया गया था और गुज्त दो दहाइयों से उनकी आज़ादी छीनी गई है इसके अलावा शेखा शमसा की बहन पैंतीस साल शेखा लतीफ़ा को दो मरतबा 2002 और 2018 में पकड़कर दुबई वापस लाया गया था उन्हें पहली मरतबा फरार होने की कोशिश से कबल अपने वालद की हदयात पर तीन साल तक के लिए कैद किया गया था मार्च दो हज़ार अठारह में उनकी दूसरी कैद आलमी शाह सुर्खियों का हिस्सा बनी थी लेकिन तहाल वो लापता हैं और वो इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में हैं इस बात का इल्म किसी को नहीं शेखा लतीफ़ा की फिटनेस ट्रेनर रहने वाली उनकी अमरीकी दोस्त टीना जोहैनन ने उन्हें दुबई से फरार होने में मदद दी थी और उन्होंने ही आलमी मीडिया और बरतानवी अदालत को बताया था कि दुबई के हुक्मरान ने किस तरह अपनी बेटी को फ़रार होने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्हें कैद करके लापता कर दिया था टीना जोहैैनन ने बताया था कि उन्हें शेखा लतीफा का फिटनेस ट्रेनर मुकर किया गया था और आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान दोस्ती हुई तहम इब्तदाई तौर पर शहज़ादी अपनी ज़िंदगी को इंतहाई पर्सनल रखती थी और उनसे किसी भी बात का इजहार नहीं करती थी टीना जहैनन ने लंदन हाई कोर्ट में भी शेखा लतीफ़ा के फरार होने की नाकाम कोशिश के दौरान उन्हें दुबई के हुक्मरान की जानब से अगवा किए जाने से मुतलक भी गवाही दी और अदालत को बताया कि ये सच है कि दुबई से फरार होने की कोशिश के दौरान ही शहजादी लतीफा को अगवा करके दुबई में कैद कर लिया गया था और तब से वो लापता है टीना जहैनन ने काफ़ी अरसे बाद हालिया हफ़्तों में शेखा लतीफ़ा के फरार होने वाले मनसूबे से मुतलक आलमी मीडिया से बात करना शुरू की जिस दौरान उन्होंने बताया कि 2010 में पहली बार शेखा लतीफ़ा से वो मिली थी उन्होंने बताया कि वो शेखा लतीफ़ा को हफ़्ते में पाँच दिन तक मार्शल आर्ट्स में फिटनेस की तरबियत देती थी और इन दोनों को दोस्त बनने में कुछ वक्त लगा लेकिन जब उनकी गहरी दोस्ती हो गई तो शहजादी ने उन्हें बताया कि वो दुबई से फ़रार होना चाहती हैं और इस हवाले से एक नाकाम कोशिश भी कर चुकी हैं अमरीकी ख़तून ट्रेनर टीना जोहैनन के मुताबिक शेखा लतीफ़ा ने उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने 2002 में दुबई से फरार होने की कोशिश की थी ताहम नाकामी के बाद उन्हें क़ैद कर लिया गया था और अब एक मरतबा फिर से वो यहाँ से फरार होना चाहती हैं वो दुबई में नहीं रहना चाहती उन्होंने कहा कि शेखा लतीफ़ा ने उन्हें बताया कि फरार होने की नाकाम कोशिश के बाद उनके दुबई से बाहर जाने पर पाबंदी है और तो उनके पास पासपोर्ट तक नहीं टीना जोहैनन के मुताबिक शेखा लतीफ़ा ने 2016 में उन्हें बताया था उनके वालद ने उनकी एक बहन शेखा शमसा को भी अपने निजी कैद खाने में कैद कर रखा है अमरीकी खतून के मुताबिक 2017 में एक बार फिर दुबई से फरार होने की ख्वाहिश जाहिर की थी उन्होंने और इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी सबक फ़ौजी जसूस हरवी जोबर्ट की दुबई से फरार होने के तरीक़ों पर लिखी गई एक किताब पढ़ना शुरू की थी उनके मुताबिक शेखा लतीफ़ा की मदद करने का मैंने सोचा जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले फ्रांसीसी जसूस से किया और उन्होंने पहली मुलाकात थाईलैंड में की शेखा लतीफा को दुबई से फरार करने का मंसूबा बनाया जिसके तहत शहजादी को एक कैफे में आने के बाद वहाँ से फरार होना था अमरीकी खतून के मुताबिक शेखा लतीफ़ा को मामूल के मुताबिक ड्राइवर ने एक कैफ़े में छोड़ा जिसके बाद शहजादी कपड़े बदलने के बहाने टॉयलेट गई जहाँ से वो अपना मोबाइल फ़ोन और कपड़े छोड़कर उनके साथ मस्कत रवाना हुई और वो छः घंटे बाद अपनी दूसरी मंजिल पर पहुँचे टीना जोहैनन ने बताया कि मस्कत से वो बोट के ज़रिए भारतीय रियासत गोवा की जानब रवाना हुए और शेखा लतीफ़ा पहली बार बोट की पहली सीट पर बैठी तो इंतहाई जज्बाती हो गई और उन्होंने कहा कि वो ज़िंदगी में पहली बार किसी सफ़र में पहली सीट पर बैठी हैं अमरीकी खतून ट्रेनर के मुताबिक शेखा लतीफ़ा और फ्रांसीसी जसूस और बोट के ड्राइवर तयशुदा मनसूबे के तहत आगे बढ़ रहे थे कि बीच समंदर में उनकी कश्ती को यू ए और भारतीय बहरिया के कमांडोज़ ने घेर लिया और कमांडोज़ हेलीकॉप्टर समेत दीगर जदीद जहाज़ों और कश्तियों पर सवार थे जिन्होंने उनकी कश्ती पर कब्जा करके उन्हें कैद कर लिया जिसके बाद कमांडोज़ ने शेखा लतीफ़ा को तशद के बाद कैद कर लिया जबकि कमांडोज कश्ती के ड्राइवर समेत उन्हें और फ्रांसीसी जासूस को 45 मिनट तक तशद का निशाना बनाते रहे और इसके बाद उन्हें भी कैद करके दुबई लाया गया टीना जोहनन का कहना था कि उन्होंने आखिरी बार शेखा लतीफा को वहीं देखा था जिसके बाद कोशिशों के बावजूद उनका रबता शहजादी से नहीं हो सका और तहाल उन्हें उनसे मुत्ल कुछ मालूम नहीं अमरीकी खतून ट्रेनर के मुताबिक दुबई में लाए जाने के बाद उन्हें तीन हफ़्तों के बाद आज़ाद कर दिया गया जिसके बाद इस खतून ट्रेनर की तमाम गुफ्तु और इल्ज़ाम के बारे में मुतहदा अरब अमरात और भारत के दफ्तर खारजा से भी रा किया गया ताहम दोनों हुकूमतों के अहदेदारों ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जमान ने शेख लतीफ़ा को कैद करने के दावों पर बात करने से साफ इनकार कर दिया शेखा शमशा और शेखा लतीफ़ा सगी बहनें हैं या दोनों की माएँ अलग अलग हैं तमाम दोनों दुबई के हुक्मरान की 2019 में फ़रार होने वाली बीवी शहज़ादी हया की बेटियां नहीं हैं जुलाई 2019 में दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल राशिदलमखतूम की पैंतालीस साल अहलिया शहजादी हया और अपने सात साल बेटे जैद और ग्यारह साल बेटी जलीला के हमरा दुबई से जर्मनी फरार हो गई थी जिसके बाद वो बरतानिया मुंतकिल हो गई रिपोर्ट्स के मुताबिक शहज़ादी हया तीन करोड़ पाउंड्स की खदीर रकम साथ लेकर दुबई से फरार हुई इसके बाद वो यूरोप पहुंची इब्तदाई तौर पर यह खबरें भी सामने आई थी कि शहजादी हया शोहर की जानब से दोखेबाज और बेवफा जैसे खताब दिए जाने और खुद को दरपेश खतरात की वजह से फरार हुई तमाम बरतानवी अदालत में समात के दौरान ये बात भी सामने आई कि उन्हें भी शोहर ने एक तरह से कैद कर रखा था शहज़ादी हया अर्दन के सबक बादशाह हुसैन बिल तलाल की बेटी हैं और हालिया बादशाह अब्दुल्ला की बहन हैं और बहुत सारी गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दुबई के हुक्मरान की छठी एहलियाँ हैं शहजादी हया दो बच्चों की माँ हैं वो माजी में अकवा मुतहदा की खूसी सफ़ीर बराए ख़ुराक और इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी की रुकन भी रह चुकी हैं शहजादी हया ने फलसफ़ा सियासत और तारीख की तलीम बरतानिया में हासिल की और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशर हिस्सा वहीं पर गुज़ारा शहजादी हया ने बतौर दुबई के हुमरान की एहलिया के कई समाजी मंसूबों की शुरुआत की और हर वक्त उनके साथ तकरीबात में देखी जाती रही हैं तो ये है वो मुकम्मल कहानी कि किस तरीके से दुनिया का वो मुल्क जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग सैर तफरी के लिए आते हैं और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आते हैं और वहाँ की जो फर्स्ट फैमिली है उनकी ख़वान ख़ुद को कैद में महसूस करती हैं और उसकी दीगर क्या वजूहत हैं कि शेख मोहम्मद बिन राशि की खुद की बीवी वहाँ से फ़रार हुई और उनकी दो बेटियां वहां से फ़रार हुई और उसके बाद उनको कैद में डाला गया तो इसकी सिर्फ़ एक ही वजह नज़र आती है कि मुतहदा अरब अमारात चाहे कितना ही मॉडर्न हो वहाँ पर पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हों उनको हर तरह की इजाज़त हो लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी खवातीन जो है उनको उन तमाम रूल्स को फॉलो करना पड़ता है यानी कि हिजाब हो पर्दा हो या बाकी दूसरे मामला हों और उनको बहुत सारे मामला जो हैं उनको करने की इजाज़त नहीं है जिसकी वजह से वो हमेशा से मुल्क से फ़रार होना चाहती थी ताकि वो यूरोप में जाकर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदियाँ गुजार सकें लेकिन वो कभी भी इस मामले में कामयाब नहीं हो सकी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हमारी तरफ़ से कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए